बिंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश महा कांग्रेस सरकार या फिर कही कमलनाथ सरकार गरीब आदिवासी हर वर्ग का जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे के वादा कहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ एक इज्जतदार जिंदगी जिए के अवसर दे थी, किंतु उन्हीं के नुमाइंदा बेबे व गरीब आदिवासी जे का मानी अपना ओ का कहो न कहो बेइज्जत करे के प्रयास करती थी और यह मानवता जब शर्मसार होती तो दुखी मन से यह कहे कि माँ विवश हुई थे कि यह प्रबंधन और कमलनाथ सरकार के बस के बात नहीं आए। यह बस के बात ऐसे नहीं आए कि एक गरीब आदिवासी परिवार यदि वोट देते है तो वह इतना अधिकार जरूर मांगत है कि हम इज्जतदार जिंदगी जी सके। इज्जतदार जिंदगी काहे माँ वह अपना कहम बताई थे सीधी माँ मानवता शर्मसार हो के कई एक घटना कई एक बे जिला चिकित्सालय सीधी के मीडिया के द्वारा उठाई जाती, किंतु सौ के दुर्दशा बेदस्तूर जारी है और यह हम नहीं कही यह वर्तमान जिला चिकित्सालय के हालात कहा थे। लानत है ऐसा कलेक्टर माँ, लानत है ऐसा प्रबंधन माँ जो सीधी जिला चिकित्सालय के बेहतर व्यवस्था नहीं बना सके। और हम तो कही थे कि ठीक है डॉक्टर की कमी है चलत है, किंतु का यदि को मरीगा है ओके खीतिर अंतिम यात्रा खीतिर ओका हम सब वाहन उपलब्ध नहीं करा सकी, किंतु हालात दर्दनाक है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वह गरीब परिवार आशा भरी निगाह से लोगन के ओर देखा थे और कहा थे कि हमारा बच्चा मरीगा है और ओका कहो न कहो हम अपने घर सुरक्षित लेके जाए चाहिए थे, जितना समय है ओके अंत्येष्टि से जितना समय है कम से कम हम इज्जत से ओका घर तक तले जा ली, किंतु नहीं यह मानवीय संवेदना जो है सीधी जिला चिकित्सालय में मर चुकी है और इतनी गिर चुकी है कि अब लोग अपने का खुदा समझाते। हम तो कही थे कि यदि सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय का मिला है तो सिविल सर्जन की जिम्मेदारी बनाती कि जिला चिकित्सालय से जुड़ी हर जिम्मेदार बात में उनकर जवाबदारी हो चाहिए, का जवाबदारी न हो चाहिए अपना सोचब, कहे कि सीधी जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन है डॉक्टर एस बी खरे, उनके राज्य में हालात यह है कि बीते लगभग 15 दिन में कम से कम 4-5 घटना हो चुकी हैं। एक बे सौ का ठेला से ले जावागा, एक बे गर्भवती महिला का ठेला से ले आवागा, हालात यह रहा कि एक बे सौ का बच्ची के सौ का मोटरसाइकिल से ले जावागा, हालात कलह हुए होत, किंतु कहा थे ना कि जब भगवान चाहत है केहू का इज्जत दे तो ओका को नहीं रोक सके। यह रहा कि सीधी कलेक्टर ओम हस्तक्षेप करी और ओके बाद लगभग मृत उपरांत लगभग 2.5-3 घंटा बाद बच्ची के परिजनन का सौ वाहन उपलब्ध भा। हम कही थे कि का कलेक्टर अब सौ वाहन उपलब्ध करे ही, सवाल यह है सवाल कहे कि कलेक्टर पूरे जिला के होते हैं, ओके लगे पूरे जिला की जिम्मेदारी होती हर विभाग के एक विभाग प्रमुख बनावा जाता है, विभाग प्रमुख के उतनी जवाबदारी होती जितना जिला कलेक्टर के होती, किंतु वह विभाग प्रमुख चैन के नींद सोवे और रात भर कलेक्टर लोगन का सब वाहन उपलब्ध करा में का समाज है, का व्यवस्था है, का प्रबंधन है, सवाल उठब लाजमी है। ऐसे अपना एक बे सोची और कम से कम वह गरीब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में ओके दर्द के बारे में सोची कि का ओका इतना अधिकार नहीं आए कि वह अपने बच्चा खीतिर या अपने परिजन खीतिर अंतिम यात्रा इज्जत से ले जा पावे। यदि ओके पास पैसा नहीं है सरकार यह सुविधा उपलब्ध कराए ही, गाड़ी वाहन पेट्रोल डीजल सारी चीज इंतजाम है, इंतजाम होए के बाद काहे लापरवाही है, सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है, तब ए मां प्रशासन काहे ढील है यह एक सवाल है। सवाल यह है का एस बी खरे इतने बड़े पद में है, इतने बड़े मतलब प्रबंधन का चैलेंज कह सके थे, प्रशासन का चैलेंज कह सके थे, सरकार का चैलेंज कह सके थे, सीधी के यह खबर मानवता शर्मसार होके खबर यहाँ से लेके भोपाल से लेके दिल्ली तक के गलियारन में गूंजी, किंतु हालात का है वह हालात है कल पुन एक गरीब कोल परिवार के बच्ची जो है 10:40 में रात में खत्म होती, ओका रात के 1 बजे सौ वाहन उपलब्ध होते हैं द्वारा के सीधी कलेक्टर के द्वारा जिम्मेदार को सिविल सर्जन, किंतु नहीं जिम्मेदारी नहीं समझ में आवे तो काहे गैर जिम्मेदार इन आदमी का जो है सिविल सर्जन बना पागा है, सवाल बड़ा है और काहे
हम तो प्रशासन और कलेक्टर से पूछे चाहिए थे कि काहे ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान का ऐसा पद में बैठा बगा है कि जे के अंदर मानवीय संवेदना नहीं है। अनजान आदमी होता है जे जिम्मेदार नहीं है, वह के मन पसीज जाता है कि वह अंतिम यात्रा में अंतिम वह विदाई में अंत्येष्टि से पहले लागत है एक आम इंसान का कि हम अपन गाड़ी दे दी, कम से कम इज्जत से होकर सौ तक घरे तक पहुंच जाए, किंतु नहीं, सीधी जिला चिकित्सालय में मानवीय संवेदना नहीं आए। अपना यदि या सब सुन के अनजान बनी लागे तो अपना गैर संवेदन इंसान है, अपनों के अंदर मानवीय संवेदना नहीं है। कहे कि एक गरीब जे के लगे सिर्फ दो वक्त के रोटी के इंतजाम की व्यवस्था होती, किंतु वह गरीब जब अपने बुनियादी जरूरत की थी लड़ाए तो कम से कम होकर आवाज में अपना साथ बनी। कहे कि ठीक है एक व्यक्ति का सुविधा ना मिले, किंतु जब अपना सब मिलके आवाज उठाओ तो हम निश्चित तौर पर कही थे कि ऐसा जो गैर प्रबंधन के व्यक्ति है सिविल सर्जन जैसा जे का रात के फोन बंद हो जाता है, और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामला में हमेशा आज अपना से दुखी मन से हर बात कही लागे। कहे कि मानवीय संवेदना की यदि बात हुई तो हमका लागत है कि ये माँ हम सब अपना सहभागी हैं या पूरे कृत्य माँ। कहे कि हम अपना यदि आवाज व गरीब के बुलंद नहीं कह सकी तो फिर हमार अपना की जिंदगी व्यर्थ है। कहे कि वह गरीब और सोची कि यह पूरे मामला में इमरजेंसी वार्ड में बैठे 14 नंबर माँ जो डॉक्टर रहे लक्ष्मण पटेल, उनके द्वारा जब वह व्यक्ति के द्वारा उस पिता के द्वारा अपने बच्ची खींचे सब वाहन की माँ कीन गए तो वह डॉक्टर के कहा भेजानी थे। वो डॉक्टर के कहा है कि कलेक्टर साहब रात के मना करे हैं गाड़ी दे का। सोची यह कौन बात है, कहा कलेक्टर ऐसा कह सका थे? ऐसे हम ये चीज गारंटी कह सकी थे कि हम खुद कलेक्टर से बात करें, कलेक्टर के बात करे के बाद 2.5 घंटा बाद वह गाड़ी उपलब्ध भय और वो के बाद सकुशल वह सौ का अपने घर तक वह मजदूर परिवार ले गया। किंतु सोची कि डॉक्टर क्या है, मानवीय संवेदना नहीं है। कौनो माँ है वो अपने बच्ची का सीने से लगाए उठ बैठ के हम दिखाई थे पूरा दृश्य साथ में अपना देखे लागे, वह बच्ची का अपने सीने से लगाए रो रही है। कम से कम वो चाहा थी कि वह जब तक वह बच्ची है ओके हाथ में तो वह उसे लिपट के रहे अपने घर तक ओकर ले जाए इज्जत से ले जाए, किंतु सीधी इतना दुर्गति हो चुकी है कि शायद हमका नहीं लगे कि अपना आशा कह सकी थी कि एक गरीब परिवार आदिवासी परिवार इज्जत के साथ अपने परिजन के शव का घर तक ले जा सका थे। यह मुद्दा लगातार उठाए, को सुने वाला नहीं है, न प्रशासन न मंत्री न मिनिस्टर न सरकार, तक का मतलब ऐसा सिस्टम के। ऐसे अच्छा ठीक है साइकिल से ले जाए ठेला से ले जाए फिर फ्री कई दिन जाए, फिर आप ढोंग न रचाए कि हम व्यवस्था करब सब वाहन के। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। सोची अपना सोची, कहे कि जब यह मामले में हम बात करें अपर कलेक्टर डीपी बर्मन से तो उनके द्वारा कहा गया कि यह बिल्कुल बड़ी बात है और लगातार यह में यदि जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा गैर जिम्मेदाराना काम किया जा रहा है तो नोटिस काट के वह व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाए। और साथ ही माँ अब एक नई पहल अपर कलेक्टर डीपी बर्मन करे जा अलग है कि एक नए व्यक्ति का नोडल बनावा जाए सौ वाहन की तिर और वह सौ वाहन की जिम्मेदारी वह व्यक्ति के हुई। साथ ही माँ यह पूरे मामला में एक और बिंदु में चर्चा भय कि सौ वाहन की तिर उठे सीधी कलेक्टर के एसडीएम के सिविल सर्जन के सीएमएचओ के सबके नंबर चस्पा हुई जो उन्हें का लेके जरूरतमंद वह नंबरन पर फोन करके और सुविधा के लाभ मिल सकत है। किंतु हम तो यह कहते कि यह मैं गैर जिम्मेदार सिविल सर्जन जो हैं इनका सीख मिले चाहिए। ठीक है सीधी में डॉक्टर नहीं आई, कार्यवाही होने के बाद ही डॉक्टर चले जाएगी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ना रही तक जय जने हैं तो वो तो कम से कम सिस्टम से काम करी नहीं। यह मैं लापरवाही पूर्ण रवैया से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी और इज्जत के साथ यह मैं खिलवाड़ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रिपोर्ट के नातिन की अभी डेथ हुई है, आपको सौ वाहन मिला क्या? दिन में सब बात किए पर जो है तो बोलते कल 10 बजे मिलेगी कल वाहन। काहे कहते हैं कलेक्टर साहब के मना आदेश नहीं है। हाँ। तो कौन बोला आपसे ये बात? यहाँ पर डॉक्टर साहब जो बैठते हैं जो यहाँ पर्ची बनाते हैं क्या बोले? गाड़ी कल मिलेगी। सीधे घटना कब हुई है आपकी बच्ची के साथ? एक घंटा हुआ साहब अभी रात के 11 बजे है।
मतलब क्या बोल रहे हैं, सुबह 10 बजे मिलेगी? मिलेगी। तो आप किस डॉक्टर से मिले हैं, कुछ है नाम मालूम है? सर उनका नाम नहीं मालूम, जो हम रहते सामने पर्ची बनाते हैं जो। अच्छा, डॉक्टर लक्ष्मण नाम है उनका। तो क्या बताया उन्होंने? गाड़ी उसका नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं पाएगी, इसलिए कि रात गाड़ी जाने का आदेश नहीं है कलेक्टर की। आपका क्या नाम है और क्या घटना हुई है यहाँ पे अभी? हमारा नाम आशीष कामदार है और हम यहीं वार्ड क्रमांक 5 में रहते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद ये हमारे स्टाफ हैं कोल समाज से, केवट समाज से, इनकी बच्ची 3 साल की थी, वो एक्सपायर हो गई। और यहाँ तकरीबन 2 घंटे बाद जब कलेक्टर साहब से सूचित हुआ, इसके बाद हम लोग को गाड़ी मिली। यहाँ सिविल सर्जन साहब के यहाँ गए तो वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पता चला कि वहाँ सब ऐसे ही मरीज पड़े हैं उनके घर में भी, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में गए थे आपने किसी डॉक्टर से बात की? इमरजेंसी वार्ड में हमारे जो जिनके यहाँ ऐसी ट्रेजडी हुई वो गए, वो बोले कलेक्टर साहब रात को गाड़ी देने के लिए मना किए। किस डॉक्टर बताओ, यहाँ पे 100 वाहन आपकी कौन है जो खत्म हुई है? मेरी भतीजी है। भतीजी है, 100 वाहन के लिए मांग कर रहे थे तो क्या बोला था? तो बोले कि रात को जो है कलेक्टर साहब ने मना किया है। कौन बोला था? डॉक्टर लक्ष्मण पटेल। क्या बोले? बोले रात को कलेक्टर साहब ने गाड़ी देने से मना किया है। कौन सी गाड़ी? यही ले जाने 100 वाहन। अच्छा, तो कितने घंटे बाद मिली है आपको ये? 2.5-3 घंटे बाद मिल गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमलेश कौल। सर, सीधी में 100 वाहन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, सिविल सर्जन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है कि 3-3, 4-4 घंटे 100 वाहन उपलब्ध होने पर भी उनको 100 वाहन नहीं मिल पाता है गरीब लोगों को, तो क्या सर ये क्या व्यवस्थाएं, कब तक सुधार होने की संभावना? हमारे पास सीडीजी में पर्याप्त 100 वाहन है, जब भी आवश्यकता पड़ती है निर्देश दिए गए हैं कि उनको आवश्यकता अनुसार 100 वाहन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बीच बीच में ये मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से मतलब ये बातें आई है कि आवश्यकता पड़ने पर है ना किसी गरीब को या किसी व्यक्ति को जो है 100 वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार जो है गरीबों को जो है 100 वाहन उपलब्ध कराया जाए। और अभी मेरी बात भी हुई है CMHO से कि इस संबंध में किसी एक अलग से अधिकारी को जो है नोडल बनाया जाए ताकि जो है इस चीज़ को वो देखे और समय पर लोगों को आवश्यकता अनुसार जो है 100 वाहन उपलब्ध कराए। सर, उस मरीज के परिजन का आरोप है कि डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर कहते हैं कि रात में कलेक्टर साहब ने 100 वाहन के लिए मना किया है, तो क्या ऐसा कुछ आदेश नहीं? नहीं, ऐसा मतलब जिला प्रशासन की ओर से कोई भी आदेश नहीं निकाला गया है, और यदि ऐसा डॉक्टर द्वारा कहा गया है तो गलत कहा गया है। सभी व्यक्तियों के लिए है और आवश्यकता अनुसार सभी व्यक्तियों को जो है 100 वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश हैं और उपलब्ध कराया जा रहा है। और किसी प्रकार की अगर लापरवाही हुई है तो संबंधित खिलाफ़ हम लोग जो है ना चौकाज नोटिस जारी करेंगे और वाकई में दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।